This is me, Jolly Yadav, welcoming you back to our channel, DLD 360 Degree. Guys, आज मैं आप सभी को सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन में एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर लेकर आई हूँ. दिस प्रोजेक्ट इज माय पर्सनल फेवरेट. सो गाइज, प्रोजेक्ट का नाम है अरिहंत अवार्ड. प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ के लोकेशन को और एक्सप्लेन करना चाहूंगी. गौर सिटी सेंटर से ये आपके 10 मिनट की दूरी पर रहेगा. नोएडा 12 मिनट की दूरी पर रहेगा. आपका NH24 से भी यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है. NH24 इज अराउंड 12 टू 15 मिनट्स फ्रॉम हियर. उसके साथ साथ पारी चौक की भी आपको डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है. पारी चौक इज अराउंड 20 मिनट्स फ्रॉम हियर. तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है. देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन ग्रेटर नोएडा. एंड जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया है, तो सबसे बड़ी USP इस सेक्टर की ये है कि इसके 2 किलोमीटर रेडियस में आपको 15 से 20 ऑपरेशनल स्कूल्स के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं. उसके साथ साथ जेवर एयरपोर्ट की हम बात करें, तो जेवर एयरपोर्ट यहाँ से अराउंड 40-45 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. तो काफी अच्छी लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है. एंड सेक्टर 10 ये आपका न्यूली डेवलप्ड सेक्टर है. यहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज हैं वो रिसेंटली डिलीवर्ड सोसाइटीज ही हैं. साथ ही साथ इस सेक्टर में काफी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, काफी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी हैं. तो यहाँ पर डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है. एंड इन्वेस्टर्स एंड होम बायर्स ये दोनों के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है. एंड अरिहंत अवार्ड, जैसे कि मैंने आपको कहा है, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट सोसाइटी. मुझे ये सोसाइटी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू दिस सोसाइटी. सबसे पहले हम इसका मॉडल समझेंगे एंड उसके बाद मैं आपको सोसाइटी के अंदर लेकर चलूंगी एंड हम सोसाइटी को एक्सप्लोर करेंगे. गाइस, दिस इज द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट अरिहंत अवार्ड. प्रोजेक्ट में आपके 5 मीटर के लैंड पार्सल बना हुआ है. प्रोजेक्ट को दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है. फेज 1 में आपके 5 टावर्स भी डिलीवर कर दिए गए हैं एंड फेज 2 में आपके 6 टावर्स भी. प्रोजेक्ट में आपका 2 साइड कॉमन लाइन में बना हुआ है एंड यहाँ पर आपका 3 रहेगा. प्रॉपर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल रही है. प्रोजेक्ट में आपकी 3 टीयर सिक्योरिटी रहेगी. और आप सामने देख सकते हैं, सामने आपका रहेगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जो कि फिलहाल पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है. यहाँ पर आपकी 5 कमर्शियल शॉप्स रेडी हो चुकी है एंड ये शॉप्स बन भी चुकी है. वो रेजिडेंट्स फिलहाल यूज कर रहे हैं. उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में कई सारे अमेनिटीज भी हैं. सो गाइस, ये वो था प्रोजेक्ट का मॉडल. अब मैं आपको सोसाइटी के अंदर लेकर चलती हूँ एंड एक्चुअल में सोसाइटी कैसे दिखती है वो दिखाती हूँ. एंड गाइस, मैं आ चुकी हूँ सोसाइटी के अंदर. दिस इज हाउ अरिहंत अवार्ड लुक्स लाइक इन रियलिटी. ये रहेगी आपकी एक्चुअल सोसाइटी. आप इसको मॉडल में देख चुके हैं एंड आप रियल में देखिए तो ये आपकी इस तरीके से रहेगी. दो फेजेस में सोसाइटी डिवाइड हो रखी है. फर्स्ट फेज रेडी टू मूव है, डिलीवर्ड है एंड कम्प्लीटली सोल्ड आउट है. उसमें आपकी लिमिटेड ही इन्वेंट्रीज बची होगी. आई थिंक 2-3 यूनिट ही बची होंगी पूरे फेज में. प्लस फेज 2 जो कि इसका अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, वो आपका 2 साल के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा कम्प्लीटली. वो भी आपका रेडी टू मूव हो जाएगा. इनफैक्ट सुपर स्ट्रक्चर इसका रेडी है. अब सिर्फ फिनिशिंग का काम ही चल रहा है एंड हमारे पास मेजर यूनिट्स अब फेज 2 में ही बची हुई है. पूरे प्रोजेक्ट की अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो पूरे प्रोजेक्ट में आपकी अप्रोक्स 940 यूनिट्स है. सो अमेनिटीज आप यहाँ पर देख सकते हैं. पीछे मेरे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ग्रीन एरिया है एंड ग्रीन एरिया प्रॉपरली यहाँ पर डेवलप हो चुकी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज आल्सो अ पार्क ओवर हियर जो कि आपका 2 acres के लैंड पार्सल में है. उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी अमेनिटीज लाइक आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज वो भी डेवलप हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं.
उसके अलावा क्लब हाउस इज ऑल्सो रेडी। क्लब हाउस में आपको अभी दिखाने वाली हूँ, क्लब हाउस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फेज वन इसका रेडी टू मूव है, तो यहाँ पर फैमिलीज भी शिफ्ट हो चुकी हैं, लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में आपका कमर्शियल एरिया भी आ जाता है। कमर्शियल एरिया में आपकी अराउंड यहाँ पर 36 कमर्शियल शॉप्स हैं, जिनमें से 5 यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं एंड वो ऑक्यूपाइड भी है। सो उसमें यहाँ पर जरूरत का सामान आपका मिल जाता है, बाकी शॉप्स भी धीरे धीरे ऑक्यूपाई हो जाएंगी। प्रोजेक्ट में आपकी पार्किंग कम्प्लीटली बेसमेंट में रहेगी एंड बाकी आपके पोडियम पे यहाँ पर व्हीकलर मूवमेंट अलाउड नहीं है। गाइज दिस इज अ लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर हर चीज काफी ज्यादा अच्छी है। आप यहाँ पर एलिवेशन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड मैं आपको यहाँ के क्लब हाउस में लेकर चलती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ का सैंपल दिखाऊंगी। गाइज प्रोजेक्ट में अमेनिटीज की बात करें तो यहाँ पर आपको सारी अमेनिटीज ऑपरेशनल कंडीशन में मिल जाती है। सिंस फेज वन इसका डिलीवर हो चुका है, तो यहाँ पर सारी आपकी सोशल अमेनिटीज भी रेडी हो चुकी है। क्लब हाउस यहाँ का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपका 20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में क्लब हाउस डेवलप हुआ है एंड इट इज ऑल अबाउट लग्जरी फीलिंग। बाहर से आप एलिवेशन चेक कर सकते हैं, इट लुक्स जस्ट स्टनिंग। एंड फिलहाल मैं क्लब हाउस के अंदर आ चुकी हूँ, अपने यहाँ के ग्राउंड फ्लोर के एरिया में हूँ एंड दिस इज द कैफेटेरिया ऑफ आइहान अबाउट्स क्लब हाउस। आप यहाँ का कैफेटेरिया देख सकते हैं, फील हियर इज वेरी लग्जरी, आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है। ऑन माय लेफ्ट इज द किड्स जोन, किड्स जोन के आपका आ जाता है पार्टी लाउंज, यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं एंड लोगों की एक गैदरिंग काफी इजीली हो जाएगी। एंड गाइस दिस इज द सेकंड फ्लोर ऑफ द क्लब हाउस एंड सेकंड फ्लोर पर आ जाता है आपका मूवी हॉल। फर्दर यहाँ पर आपका इंडोर गेम्स का स्पेस रहेगा, उस तरफ आपका रहेगा बिलियर्ड्स रूम एंड इसी फ्लोर पर आपका फिटनेस सेंटर भी मिल जाता है, विच इज वेरी ग्रैंड, यहाँ पर काफी बड़ा आपका जिमनेजियम भी रहेगा। This is the third floor of the clubhouse and third floor पर आ जाता है आपका swimming pool, ये आपका adult pool रहेगा and इसी के बिल्कुल adjoining आपका kids pool भी रहेगा। Plus third floor पर आपको rain shower area भी मिल जाता है। Guys कुछ towers की height S+20 floors की रहेगी and कुछ towers की height S+22 floors की रहेगी एंड हर एक फ्लोर पर आपके सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स ही रहेंगे, जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास 2 लिफ्ट का प्रोविजन एंड स्टेयरकेस का प्रोविजन रहेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिफ्ट रहेंगी प्लस सभी आपके कॉर्नर यूनिट्स भी रहेंगी, 2 आपके सामने रहेंगे अपार्टमेंट्स एंड 2 इस तरफ रहेंगे। तो अभी मैं आपको एक सैंपल दिखाने वाली हूँ, बेसिकली ये 3 BHK सैंपल है, इसका साइज रहेगा 1270 स्क्वायर फीट एंड ये आ जाती है इसकी मेन एंट्रेंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन एंट्रेंस पर आपको 2 डोर मिल जाते हैं, एक आपका रहेगा आयरन डोर, सेकंड आपका रहेगा वुडन डोर। सो गाइस जैसे ही आप अंदर आएंगे आप आ जाते हैं यहाँ के लिविंग स्पेस में, ये आपका सैंपल फ्लैट है एंड जो आपको डिलीवर किया जाएगा वो आपका एक्चुअल फ्लोर फ्लैट रहेगा जिसमें आपका वुडन वर्क नहीं रहेगा। So this was the living space and living space के साथ आपको यहाँ पर बालकनी का प्रोविजन मिल जाता है। This is a private balcony with your living space. किचन एरिया, किचन आपको खूब सारे यहाँ पर किचन मिल जाती है, ये आपका रहेगा कम्प्लीटली ड्राई एरिया एंड यहाँ पर रहेगा आपका वेट एरिया। सो दिस इज योर वॉशिंग स्पेस, सो किचन का स्पेस भी काफी ज्यादा एक्सटेंड है प्लस किचन के साथ साथ आपको यहाँ पर यूटिलिटी एरिया भी मिल जाता है एंड गाइस यूटिलिटी एरिया इज वेरी स्पेशल, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपका यूटिलिटी एरिया रहेगा प्लस यहीं से आपको एक और बेडरूम का एक्सेस भी मिल जाता है, ये आपका कॉमन बालकनी रहेगा। यहाँ पर रहेगा आपका बेडरूम नंबर 1,
साइज प्लस इस बेडरूम में भी आपको बालकनी मिल जाती है। एक काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको लेंथ एंड विड्थ दोनों ज्यादा काफी अच्छी मिल जाती है। इनफैक्ट जो विड्थ है वो और प्रोडक्ट्स की बालकनी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आपको वाइड मिल जाती है। एंड फॉर द लीफ एसेट आपको फर्स्टली यहाँ पर आपको मिल जाता है एक कॉमन वॉशरूम जिसे कि आप बाहर के एरियाज के साथ एंड द बेडरूम्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वॉशरूम आपकी फिनिश्ड कंडीशन में रहेगा। दिस इज योर बेडरूम नंबर 3 व्हिच इज अगेन इन अ वेरी गुड साइज। यहाँ पर भी आपको एक बालकनी अटैच मिल जाती है। बालकनी अगेन काफी ज्यादा वाइड रहेगी। प्लस यहाँ पर आ जाता है आपका वार्डरोब का स्पेस। फ्लैट में अपार्टमेंट में आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग सारी कंप्लीट करके दी जाएगी। So guys, that was all about our today's project Arihant Award. आपको ये project कैसा लगा? Do tell us in the comment box. I personally love this project and मैं इस शुरू से ही कहती आ रही हूँ। इसके बहुत सारे reasons हैं। सबसे पहला reason ये है कि इसकी construction quality काफी ज्यादा अच्छी है। पूरा प्रोजेक्ट 100% माइवान फ्रेमवर्क के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड माइवान टेक्नोलॉजी के फायदे ये होते हैं कि इनकी बिल्डिंग्स का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा लॉन्ग होता है, काफी ज्यादा लंबा होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द अमेनिटीज। प्रोजेक्ट में फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है एंड यहाँ पर 250 फैमिलीज मूव इन कर चुकी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एमिनिटीज भी डेवलप कर दी गई हैं। ग्रीन एरियाज काफी हद तक डेवलप हो चुके हैं। आपका क्लब हाउस यहाँ पर ऑपरेशनल कंडीशन में है एंड क्लब हाउस इज ऑल अबाउट लग्जरी फील। उसके साथ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉलेज पार्क 5। नॉलेज पार्क 5 इस सेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट है एंड नॉलेज पार्क 5 आपका 300 एकर्स में डेवलप हो रहा है जहाँ आने वाले टाइम में डेटा सेंटर आ रहा है। इनफैक्ट डेटा सेंटर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। उसके साथ साथ कई सारे ITITS ऑफिसेस भी यहाँ पर आएंगे तो आने वाले टाइम में ये यहाँ का एक एम्प्लॉयमेंट हब होगा एंड काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम यहाँ के प्रॉपर्टी प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके होंगे, यहाँ पर अप्रिशिएशन कितना ज्यादा हो चुका होगा एंड इट विल बी वेरी हार्ड टू फाइंड अ गुड प्रॉपर्टी इन दिस रीजन इन दिस सेक्टर। So, अगर आप उस पर्पज से भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आज के टाइम पे यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रीजनेबल रेट्स मिल जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने रेट्स की बात की है तो यहाँ पर आपको लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी है बट काफी ज्यादा डिसेंट यहाँ का BSP है। प्रोजेक्ट में अभी एज इन दिसंबर 2024 अप्रैल यहाँ पर अराउंड 8,000 पर स्क्वायर फीट का BSP है विच इज वेरी रीजनेबल इफ आई कंपेयर इट विद अदर सोसाइटीज। इनफैक्ट प्रोजेक्ट के जस्ट सामने एलीट का एक प्रोजेक्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज का है एंड वहां पर फिलहाल 9,000 पर स्क्वायर फीट का BSP चल रहा है। बोथ आर ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज बट आप डिफरेंस देखिए, इनफैक्ट सेम लोकेशन है सो दैट इज द डिफरेंस। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट आपका ज्यादा जल्दी डिलीवर हो जाएगा। इसका जो फेज 2 है उसके 3 टावर्स आपके 2025 मार्च में डिलीवर हो जाएंगे एंड रिमेनिंग 3 टावर्स ये आपके मार्च 2026 में डिलीवर हो जाएंगे। इनफैक्ट अज्यूम किया जा रहा है कि ये उससे पहले ही डिलीवर हो जाएंगे, टाइम से पहले डिलीवर हो जाएंगे। सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे मेजर USP इस प्रोजेक्ट की ये है कि यहाँ के बिल्डर अरिहंत ग्रुप का पास्ट रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। ये जो प्रोजेक्ट है जो अभी डेवलप हो रहा है ये फुली पेड अप लैंड पर है एंड इस पर कोई ड्यूज नहीं है। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट को SBI से अप्रूवल भी मिला हुआ है एंड आपके सभी मेजर बैंक्स से यहाँ पर लोन्स भी इजीली आपको मिल जाएगा। प्लस रजिस्ट्री इस प्रोजेक्ट में हो रही है। बिल्डर काफी सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं एंड करेंटली उनके 2 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, अरिहंत 1 एंड अरिहंत अबॉर्ड। एंड उसके साथ साथ बिल्डर पे कोई भी लीगल केसेस भी नहीं है, काफी ज्यादा क्लीन इमेज है। So these were the major USPs of this project. Phase 1 is delivered and everything else is just so good about this project.
सो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, एक 2 BHK या 3 BHK प्रॉपर्टी अपने लिए नोएडा एक्सटेंशन में सर्च कर रहे हैं, तो आपको अरिहंत अबॉर्ड पर एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप एक बार यहाँ पर विजिट करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आ जाएगी। एंड विद दैट गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो, आवर टुडेज प्रोजेक्ट अरिहंत अबॉर्ड। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।